चलिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड पर हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ हमें दो इनपुट R1 और R2 और दो आउटपुट C1 और C2 दिख रहे हैं। हमें फाइंड करना है C1 बाय R1 और C2 बाय R2। तो जब हम C1 बाय R1 फाइंड करेंगे, टू फाइंड C1 बाय R1, तो R2 इक्वल टू 0 और C2 इक्वल टू भी हम 0 पुट करेंगे, ठीक। तो जब हम R2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर C2 और R2 0 हो जाएंगे, तो हमें आउटपुट C1 और इनपुट R2 में यहाँ पर एक फीडबैक पता चलेगा। देख सकते हैं कुछ ऐसा फीडबैक हमें पता चलेगा, और जो फॉरवर्ड पाथ होगा वो होगा G1। देखते हैं कैसे। तो यहाँ हमें एक फीडबैक पाथ, आउटपुट का पार्ट, हमें फीडबैक पाथ ये पता चल रहा है जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ओके। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि H1 का इनपुट R2 तो 0 हुआ, ये समिंग पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि एक इनपुट 0 हुआ, डायरेक्टली यहाँ से फीडबैक आ रहा है, तो यहाँ पर फीडबैक नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक है। तो यहाँ पर हम H1 में माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमें ये फीडबैक पाथ मिला और ये फॉरवर्ड पाथ मिला। दिस इज़ द फॉरवर्ड पाथ। इसको सॉल्व करेंगे तो H1, H2 और G2 तीनों मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो हमको फीडबैक में मिलेगा माइनस H1, H2 एंड G2। जब इसको सॉल्व करेंगे और C1 बाय R1 फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा G1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G1 इंटू माइनस H1, H2 एंड G2। फाइनल आंसर होगा G1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस G1, G2, H1, H2। सिमिलरली हम C2 बाय R2 भी फाइंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आया हुआ हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़रा ध्यान से हम देखेंगे। यहाँ हमें अगर हम इस टेक ऑफ पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट कर दें तो यहाँ दो टेक ऑफ पॉइंट साथ में आ जाएंगे जिनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इस टेक ऑफ पॉइंट को हम बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं तो टेक ऑफ पॉइंट सबसे पहले हम बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं, तो दोनों ट्रांसफ़र फंक्शन साथ में होंगे और हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमें नेटवर्क मिलेगा जब हमने समिंग पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट किया, तो हमें पता है समिंग पॉइंट को जब बैकवर्ड शिफ्ट टेक ऑफ पॉइंट को हमने बैकवर्ड शिफ्ट किया तो हमें पता है जब हम टेक ऑफ पॉइंट को बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं तो ट्रांसफ़र फंक्शन से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H1 इज़ मल्टीप्लाइड बाय G2। तो यहाँ पर हमने G2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों टेक ऑफ पॉइंट को इंटरचेंज कर दिया।
अब ये नेटवर्क बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे G2 और G3 मल्टीप्लिकेशन में होंगे और G5 उनके एडिशन में होगा। तो नेक्स्ट नेटवर्क हम देख सकते हैं, तो यहाँ G2 G3 का मल्टीप्लिकेशन होगा और G5 एडिशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हम इस टेक ऑफ पॉइंट को वापस से बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं। वापस से हम फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। पिछली बार हमने बैकवर्ड शिफ्ट किया था, अब फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ G2 H1 में जब हम फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे तो G2 H1 में को हम G2 G3 प्लस G5 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा? नेक्स्ट नेटवर्क हमें मिल रहा है, हमने यहाँ पे G2 H1 को G5 H प्लस G2 H3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ हमें वापस से एक फीडबैक नेटवर्क मिल रहा है जिसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें एक बात का ध्यान देना है कि ये जब टेक ऑफ पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, सॉरी फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, तो तीन टेक ऑफ पॉइंट साथ में मिलेंगे जिसको हमने कुछ ऐसा अरेंज किया है। तो हम इसका फीडबैक नेटवर्क सॉल्व करते हैं। फीडबैक नेटवर्क सॉल्व करने पर हमें मिलेगा G5 प्लस G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G5 प्लस G2 G3 इंटू H2। साथ ही हम इस समिंग पॉइंट को फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं और दो समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करेंगे। तो समिंग पॉइंट को फॉरवर्ड शिफ्ट करने पर हम G1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम समिंग पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ G1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं और ये नेटवर्क फीडबैक नेटवर्क है। तो इन दोनों का, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, फीडबैक कॉम्बिनेशन और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर हम यूनिटी फीडबैक सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में हमको यूनिटी फीडबैक मिलेगा। थैंक यू।